नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आप लोग के लिए लाया हूं कि अगर आप एक रिलायंस जियो का सिम यूज़ करते हैं तो जो प्लान के प्राइसेस हैं वो अब नहीं बढ़ने वाले हैं। पूरी डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में, जाने के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। रिलायंस जियो की तरफ से दोस्तों एक ऐसी खबर आ रही है या एनालिटिक्स जो अभी चल रहे हैं उसको देखकर ही बताया जा रहा है कि जियो अभी प्लान के प्राइसेस को नहीं बढ़ाएगा। बेसिकली ये सब एनालिटिक्स को देखा जा रहा है। यहाँ पर जियो के जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जियो जो है वो खोता जा रहा है, और जियो यहाँ पर हमेशा रिमूव करता है एक्टिव सब्सक्राइबर, उनके जो नहीं होते हैं इनएक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं 90 डेज में, मतलब वो लोग जो सिम ले लेते हैं लेकिन रिचार्ज काफ़ी टाइम तक नहीं कराते हैं तो उनको वो हटा देता है, उनका जो सिम है वो बंद कर देता है। तो इनएक्टिव सब्सक्राइबर को वो ऑटोमेटिक रिमूव करता है हर 90 डेज के अंदर। बेसिकली अगर बात करते हैं टैरिफ हाइक की, तो अब टैरिफ हाइक यहाँ पर नहीं किया जाएगा क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आप देखा जाए टेलीकॉम ऑपरेटर्स का तो वो बहुत ज़्यादा डाउन चलता चला जा रहा है। मतलब सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो डाउन गया है, और रेवेन्यू इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू आप कह सकते हो एक्टिव सब्सक्राइबर जो है वो घटते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं वी और एयरटेल की, तो वी और एयरटेल यहाँ पर ज़रूर से जो आप कह सकते हो अपने प्लान के प्राइसेस को राइज करेगा, बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है उसको इंक्रीज करना है, मतलब हर एक यूजर से उनको रेवेन्यू यहां पर जनरेट करना है। लेकिन जियो यहां पर ये नहीं करेगा। अगर जियो से पहले वी और एयरटेल ने अपने प्लान के प्राइसेस को बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एयरटेल और वी जो है वो मार्केट शेयर जो है वो खो देगा और जियो यहां पर मार्केट शेयर गेन कर लेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जियो के एक्टिव सब्सक्राइबर जो हैं वो कम हुए, मतलब इनएक्टिव सब्सक्राइबर की वजह से उन्होंने रिमूव कर दिया इनएक्टिव सब्सक्राइबर को, तो यहाँ पर जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो कम हुए हैं। अब अगर बात करते हैं जियो यहाँ पर डिले करेगा ज़रूर से टैरिफ हाइक को, मतलब एंड ऑफ द ईयर आप कह सकते हो इस साल की दिसंबर तक मंथ तक यहाँ पर कहीं ना कहीं जियो जो है वो प्लान के प्राइसेस को बढ़ाएगा, और ये बात मुझे सच भी लग रही है क्योंकि जियो ने कहा था कि दिसंबर मंथ तक यहाँ पर जियो का जो ट्रू 5G है वो सभी सिटीज़ के अंदर ला देंगे, और जब जियो सभी सिटीज़ के अंदर आ जाएगा अपना 5G लेकर तब वो एक प्लान रोल आउट फिर से करेंगे जहाँ पर 4G के प्राइसेस अलग और 5G के प्राइसेस को यहाँ पर अलग शो किया जाएगा, प्लान लाए जाएंगे। ब्रोकरेज हाउस है जेफरीज, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर अभी जियो जो है वो प्लान के प्राइसेस को नहीं बढ़ाने वाला है, एटलीस्ट कुछ मंथ तक तो प्राइसेस नहीं बढ़ने वाले हैं। वहीं रिलायंस जियो की तरफ से एक और खबर आ रही है कि जियो यहाँ पर आपको फ्री सर्विस देने वाला है, और एक ऐसी सर्विस आपको फ्री देने वाला है जिसके लिए आपको पहले अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। बेसिकली यहाँ पर IPL 2023 जो होने वाला है, जो 31 मार्च से शुरू होने वाला है, वो यहाँ पर स्ट्रीम किया जाएगा। आप कह सकते हो रिलायंस जियो का जो जियो सिनेमा ऐप है उसके अंदर आप फ्री में देख पाओगे कोई विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको डिले भी देखने को नहीं मिलेगा मैच के अंदर, और 4K भी यहाँ पर आप चला पाओगे, मतलब 4K में स्ट्रीम कर पाओगे, ये पहली बार होगा, और आप इसे 12 लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की खबरें, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।